तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश या राजस्थान का भौतिक वर्णन से बाकी बचे हुए सवाल आज फटाफट देख लेते हैं और इस टॉपिक के बाद आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो पहला सवाल आज का हम देखेंगे, यहाँ राजस्थान के तरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको यह बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत बात है, वो गंगा यमुना का मैदान है। पश्चिमी बालू का मैदान टेतीस सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, ये भी सही है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में जरका पर्वत है। कई बार आ चुका सवाल है, ग्रेड सेकंड शिक्षक 2011 में भी पूछा है। और ये जरका की पहाड़ियां राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और रागा की पहाड़ियां भी वहीं स्थित है। तो जरका और रागा के बीच में घास युक्त कुछ क्षेत्र पाया जाता है, उसको देश हरो कहा जाता है। अरावली की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी आप बताइए। तो भाई अरावली की दूसरे नंबर की चोटी जो है वो है आपके शेर 1597 मीटर। तो यहाँ आप एक बात ध्यान रखना, राजस्थान की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सब आपको याद करनी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति आप देख रहे हैं। अब इस अरावली पर्वतमाला में क्या स्थिति है कि तीन भागों में इसको बांटा हुआ है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो इन तीनों के पार्ट आपको ध्यान रखने हैं कि उत्तर अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, इनमें कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं। एक तो पर्वत चोटियों को इस हिसाब से याद रखना है कि कई बार पूछ लेता है कि जो गुरु शिखर है आपका अरावली के किस हिस्से का क्षेत्र है, इस तरह पूछ लेता है। जिला तो आपको पता है लेकिन फिर आप एरिया भूल जाते हैं, तो ये भी याद करना है। दूसरा, आपको पर्वत चोटी की हाइट याद करनी है। तीसरा, पर्वत चोटी किस जिले में वो याद करनी है। तो यहां आपको लिस्ट दिखा देता हूं पूरी की पूरी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस चोटी की कितनी हाइट है और कौन से जिले में स्थित है। तो ये सूची आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। तो इसमें कुल आपको 20-22 पर्वत चोटियां बता रखी हैं, कौन से जिले में है, कितनी इसकी हाइट है, सारी की सारी चीजें आपको यहां दिख रही हैं। तो राजस्थान की पर्वत चोटियां अकॉर्डिंग टू हाइट या ऊंचाई के अनुसार राजस्थान की सभी पर्वत चोटियां ये आपको यहां दिख रही हैं। तो इनको एक बार आप अच्छी तरीके से देख लेना। रीट परीक्षा, आरटेट परीक्षा 2011 और आरएस 1995 में आया हुआ सवाल है। राजस्थान का सबसे बड़ा, सॉरी भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है, तो वो तो राजस्थान है। 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी आते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े पांच जिले की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर है। तो भारत का कुल 10.41% हिस्सा राजस्थान का है क्षेत्रफल का। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है, ए एम हेरोन ने किया है, जेईएन सिविल 2016, महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। तो भाई पर्वत चोटियों को मैंने आपको बताया कि एक तो आपको यह याद करना है कि कौन सी पर्वत चोटी किस हाइट पर है, किस जिले में और अरावली के किस भाग में। तीन चीजें याद कर लोगे तो चाहे वो आरोही क्रम में पूछे, चाहे वो अवरोही क्रम में पूछे, चाहे वो घटते क्रम में पूछे, चाहे वो पर्वत चोटियां बढ़ते क्रम में पूछे, चाहे वो अरावली के किसी हिस्से के हिसाब से पूछे, चाहे वो जिले के हिसाब से पूछे, पर्वत चोटियां आपसे कैसे पूछे राजस्थान की, ये आप कभी भी सवाल मिस नहीं करेंगे। तो यहां पूछा इसने राजस्थान, मतलब एक समूह दिया है इसने और ये पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत चोटियां हैं जो आपको अवरोही क्रम के अनुसार नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इस क्रम के हिसाब से तो हम देख लेंगे तो तारागढ़, खो, बलाली, रोजा और भाकर, रोजा भाकर, ये चार चोटियां हैं। इनकी सबकी हाइट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो हाइट के हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कौन सी चोटी ऊंची है, कौन सी चोटी किस हिसाब से किसके नीचे है। अब अरावली की पूरी स्थिति पर हम देख लेते हैं थोड़ा ढंग से। तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व का प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत है, ये आप नोट करते चले। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, ये प्री कैम्ब्रियन कल्प की है और ये एग्जाम में आपसे थर्ड ग्रेड टीचर में, सेकंड ग्रेड टीचर में 2010 में आया हुआ सवाल है। यह पर्वतमाला गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा यानी कि पालनपुर से तो शुरू होती है और दिल्ली के रायसीना हिल्स पर यह खत्म होती है। तो यह पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। कुल इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। तो राजस्थान की पर्वत चोटी का विस्तार जब पूछते हैं तो पूछते हैं किस दिशा में फैली है, तो दक्षिण पश्चिम से तो ये शुरू है और उत्तर पूर्व की ओर ये खत्म होती है। तो भाई ये बात ध्यान रखना कि ये राजस्थान की पर्वत चोटी ऊपर से नीचे ना उतर के नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये भी याद रखना है। और ये दो भागों में बांटती है राज्य को,
है ना, कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ये भी पुलिस कांस्टेबल 2000 में पूछा है कि कितने भागों में बांटती है। 550 किलोमीटर जो एरिया अरावली पर्वत का वो राजस्थान में है 692 में से, बाकी जो एरिया है वो अलग है। राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, ये ग्राम सेवक में पूछा है 2008 में, पशुधन सहायक 2016 में पूछा है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। फिर जेल प्रेरित परीक्षा 2013 में सवाल पूछा है इसी पाठ से, अरावली पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली है, तो 9.3% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। फिर आरएसपीरी 1996 और आरएसपीरी 1999 में पूछा है कि अरावली पर्वतमाला जो है इसके एरिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, तो भाई 10% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल कुल कितना है इसका, 9.3% क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 10% जनसंख्या निवास करती है। अब पटवार 2011 में आया हुआ सवाल है, अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक संरचना के रूप में किस ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है, तो भाई ये दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है या क्वार्ट्ज चट्टानों से निर्मित है, तो इसको अरावली सुपर ग्रुप भी कहते हैं और ग्रेनाइट नीस भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक अंचल राज्य में सबसे ऊंचा है, तो राज्य में सबसे ऊंचा कौन सा अंचल है भौगोलिक अंचल, तो अरावली पर्वतमाला, ये पहाड़ी सबसे ऊंचे होंगे ना, तो ये कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ सवाल है। अरावली पर्वतमाला राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, तो ये फैलाव भी पूछा है एलडीसी 2011 में, जेईएन अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट 2012 में पूछा हुआ है, इसका फैलाव किस दिशा में है, ठीक है। और पटवार 2011 में पूछा है दक्षिण पश्चिम के भाग जो ऊंचा है इसका और चौड़ाई जो उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है, तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई हम देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो कम होती जाती है, तो ये भी आपसे सवाल पूछा हुआ है। अब अगला सवाल उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया है अरावली पर्वत से ही, अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित हैं, इसमें 12 जिले सम्मिलित हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के। अब रचना विधि के आधार पर अरावली को किस प्रकार के पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है, ये जेईएन 2016 में आया हुआ सवाल है। तो अरावली एक मोड़दार पर्वत भी है, तो अरावली के कंटेंट देखो, अरावली वलित अवशिष्ट श्रृंखला है, प्री कैम्ब्रियन कल्प की श्रृंखला है और इसका विस्तार गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से दिल्ली के रायसेना हिल्स तक है, या इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिम राजस्थान से उत्तर पूर्व की ओर है, 692 किलोमीटर कुल लंबाई है, 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबी है, या 550 किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान में, यह राज्य को दो भागों में बांट देती है, ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। और इसका 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। ये दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टाने या क्वार्ट्ज से निर्मित है या अरावली सुपर ग्रुप की चट्टाने ग्रेनाइट नीस से निर्मित है। सबसे ऊंचा भौगोलिक अंचल अरावली पर्वतीय प्रदेश ही है राजस्थान का। 12 जिले अरावली के प्रदेश में शामिल हैं, 12 जिले, ठीक है। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशन पर्वतों से की गई है, यह एक योजना प्रदेश कहलाता है। राजस्थान की जीवन रेखा भी अरावली की पहाड़ियों को, अरावली पर्वत श्रेणी को ही हम कहते हैं। 12 जिले इसमें शामिल है, जिसमें प्रमुख रूप से हम बात करेंगे तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर जिले हैं, लेकिन इसका काफी जो भाग है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा में पाया जाता है और सीकर, झुंझुनू में भी कुछ तहसीलें ऐसी हैं जहां अरावली के अवशेष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहां आपको अरावली और अरावली से संबंधित क्षेत्र पाया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं हम, यहां निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, 4 बेसिन दिए हैं, लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और दक्षिणी अरावली बेसिन, तो पूछ रहा है जो दक्षिणतम भाग में स्थित है वो बताइए, तो वो जवाब होगा आपका माही बेसिन, आरपीएससी एफएसओ 2019 में आया सवाल है। अब 4 कथन दिए हैं, पूछ रहा है सही कथन बताओ, आरपीएससी कॉलेज व्याख्यात में आया हुआ है 2019 में। पहला कथन है लसाड़िया पठार जैसमन झील के पूर्व में स्थित है, तो ये सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है सेपरेट रूप से, मैं आपको बता चुका हूं कि जैसमन झील के पूर्व में लसाड़िया पठार ही स्थित है, तो ये कथन सत्य है। नागपहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि नागपहाड़ जो है वो उत्तरी अरावली का शिखर है और ये अजमेर जिले में पड़ता है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, तो देखो छप्पन का मैदान ये सवाल सेपरेट रूप से पूछा गया है और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में स्थित है, तो इसमें चित्तौड़गढ़ जोड़ा हुआ है इसलिए ये कथन भी असत्य हो जाता है। अगला सवाल है शिवपुर घाट और बर अरावली के दर्रे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों अरावली के ही दर्रों की श्रेणी में आते हैं। अब अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान के मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है,
तो ये सवाल आरपीएससी कॉलेज व्याख्यात में 2019 में पूछा है। वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपरदन, ये ऑप्शन थे। तो इसमें से वनों की कटाई, अति पशुचारण और मृदा अपरदन, ये तीन है। सिंचाई करेंगे तो रेगिस्तान नहीं बढ़ेगा। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2019 में कॉलेज व्याख्यात में आया। जैसलमेर बाड़मेर में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में शामिल जिले बताइए, और इसमें राजस्थान में बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सुनिए, सीकर, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद। तो मैंने आपको बताया था सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये शेखावटी वाला जो एरिया है ये बांगड़ कहलाता है, इसमें राजसमंद अलग हो जाता है। तो राजसमंद इसका ऑप्शन होगा सही। कॉलेज व्याख्यात 2019 में आया सवाल है ये। अब सेकंड ग्रेड टीचर में 2019 में आया सवाल देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। वही आपको प्रदेश बताया है और चोटी बताई है। तो ये बताया है क्षेत्र के हिसाब से, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इनके सामने ऑप्शन दिए हैं भानगढ़, तारागढ़ और ऋषिकेश। तो उत्तरी अरावली में भानगढ़ स्थित है क्या? मध्य अरावली में तारागढ़ स्थित है क्या? दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश स्थित है क्या? तो ये सभी विकल्प यहाँ आप बताइए। तो सभी के सभी विकल्प यहाँ सही सम्मिलित करके लिखे गए हैं। सारणी एक और सारणी दो में दिए गए भौतिक विभाग संबंधित जिले का सही मिलान कीजिए। यहाँ आपको दिया हुआ है भौतिक विभाग जो अपन पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा जिला दिया हुआ है आगे। तो बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। शायद कृषि अधिकारी 2019 में आया सवाल है। भाकर के आगे ऑप्शन है सिरोही, गिरवा के आगे ऑप्शन है उदयपुर, बागड़ के आगे ऑप्शन है बांसवाड़ा, बांगर के आगे ऑप्शन है नागौर। तो देखो इसमें चारों ही सुमेलित हैं। अब बांगड़ में सीकर, चूरू, झुंझुनू तो आते हैं, पर नागौर का भी काफी हिस्सा आता है, इसलिए ये ऑप्शन को गलत नहीं मानना चाहिए। काफी बंदे इस ऑप्शन को सही कराते हैं कंफ्यूजन के चक्कर में। तो यहाँ चारों के चारों सही है। भाकर सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में है। सेपरेट सवाल पूछे हैं कई कई बार ये सवाल, और कई कई बार रिपीट भी हुए हैं। बागड़, बांसवाड़ा यानी कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला एरिया है जो वागड़ है, व्याघ्रवाड़ भी जिसको कहते हैं। बांगड़ में नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये एरिया आता है। डोंगलैंड किसका भाग है? शायद कृषि अधिकारी 2019 में पूछा है। तो डोंगलैंड से घबराना मत, लैंड माने भूमि, डांग माने डांग का एरिया। तो करौली वाला जो पठार है वो डोंगलैंड का हिस्सा है। हर्ष पर्वत कहां स्थित है? भाई सीकर जिले में स्थित है। शायद कृषि अधिकारी 2019 में आया सवाल है। निम्नलिखित में से अरावली दर्रे कौन से हैं? अरावली के दर्रे आपको बताने, यानी कि चार ऑप्शन दिए हैं, शिवपुर घाट, जेतवास, देबारी, मुकुंदरा। अब इसमें से वो बताना है जो अरावली का हिस्सा है। तो भाई इसमें से मुकुंदरा जो है ये देखो विंध्य का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का, अरावली का हिस्सा नहीं है। तो शिवपुर घाट, जेतवास और देबारी तीनों के तीनों अरावली के हिस्से हो जाते हैं। आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 में आया सवाल है, विंध्य क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कई बार बता दिया दक्षिणी भाग में पाई जाती है, यानी कि बूंदी, सवाई माधोपुर, यहाँ ऑप्शन दिया गया था तो यही सही होगा। एएन 2018 में आया हुआ सवाल है, राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी कहा जाता है? भाई डांग की रानी करौली कहा जाता है। लवण निरीक्षक 2019 में आया हुआ सवाल है। अब सुमेलित कीजिए आप इनमें से, ये भी लवण निरीक्षक 2019 का सवाल है। घग्गर को मृत नदी कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है। नागपानी अरावली दर्रे में है क्या? बिल्कुल नहीं है। बोराट का पठार बिल्कुल सही है, बोराट एक पठार है। शेर अरावली की चोटी है, बिल्कुल सही है, सेकंड नंबर हाइट पे ही। ठीक है, ये इसका सुमेलित है। कौन सा भाग भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अभी मैंने बताया था जब अरावली बताई थी, ठीक है ना। ऑप्शन सुनिए, अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियां, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान, चारों भौतिक प्रदेश हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में सवाल आया था। तो अरावली की पहाड़ियां इसका सही जवाब है। सूची एक को दो से सम्मिलित करो भाई आपस में। जालौर के आगे ऑप्शन है झारोल, जयपुर के आगे है बरवाड़ा, अलवर के आगे है भानगढ़ और सीकर के आगे रघुनाथगढ़। तो ये झारोल, बरवाड़ा, भानगढ़, रघुनाथगढ़ ये पर्वत की चोटियां हैं या पर्वत हैं। आपको बताना है कौन से जिले में इनको सम्मिलित करना है। तो झारोल जालौर में, बरवाड़ा जयपुर में, भानगढ़ अलवर में और रघुनाथगढ़ सीकर में, चारों के चारों ऑप्शन आपस में मिला करके लिखे हैं। अरावली की सबसे हाईएस्ट चोटी पूछी है, ये गुरु शिखर आपको सबको पता है, ठीक है। 1722 मीटर इसकी हाइट है, सिरोही जिले में है। संगणक परीक्षा 2018 ग्रेड सेकंड टीचर साइंस और मैथ वाले में 2010 में आया हुआ सवाल है। ये क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये सवाल आरपीएससी एफएसए 2019 इसमें भी आया हुआ सवाल है, थर्ड ग्रेड टीचर में भी आया हुआ सवाल है। आरएस प्री 1998 पीटीआई ग्रेड सेकंड 2012 पटवार परीक्षा 2011
सूचना सहायक 2018 और उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। ये सवाल आया है, कम से कम 9 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है कि अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर के बारे में सुन लो, कर्नल जेम्स टाड ने इसे संतों का शिखर कहा है, ठीक है, इसे हिंदू ओलंपस भी कहा है इसको। कर्नल जेम्स टाड ने आबू पर्वत को कहा है, कर्नल जेम्स टाड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर जो है अरावली के दक्षिणी प्रदेश में स्थित है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, सबसे ऊंची चोटी है, हाइट 1722 मीटर है। बाकी चीज आप जोड़ देना कमेंट बॉक्स में। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो सबसे पहले देखो मालपुरा करौली कहाँ है, ये टोंक और करौली के बीच का हिस्सा है, तो ये बनास बेसिन में आता है, ठीक है, किसका हिस्सा है, बनास बेसिन का। प्रधान अध्यापक 2018 एलडीसी 2018 में आया सवाल है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? तो भौतिक प्रदेश जो खाद्यान्न का कटोरा, तो भाई पर्वतों पे, मरुस्थल में और पठार पे, तो यहाँ तो इतना खाद्यान्न होता नहीं है, तो मैदानी भाग में ही होता है, तो पूरी मैदानी भाग ही इसका आंसर होगा। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का सवाल है। मालवा पठार का विस्तार, मालवा पठार किसका विस्तार है? तो दक्षिणी अरावली का विस्तार है, ठीक है ना, विंध्य का विस्तार है, दोनों ही सही है इसमें, तो दक्षिणी अरावली का विस्तार है मालवा का पठार। ये भी उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का सवाल है। प्रधान अध्यापक 2018 में कैसे पूछा है सवाल, इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, कग्गर का मैदान के सामने लिखा हुआ है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले, यानी कि सुमेलित करना है आपको। शेखावटी प्रदेश के आगे लिखा है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, तो ये भी सही है, गग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले, ये भी सही है, शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, ये भी सही है। उदयपुर बेसिन गिरवा की पहाड़ियां है, ये भी सही है भाई। अब है बोराड का पठार रघुनाथगढ़ शिखर, तो देखो बोराड का पठार रघुनाथगढ़ शिखर, तो रघुनाथगढ़ तो भाई पर्वत की चोटी है जो आपके सीकर जिले में स्थित है, और बोराड का पठार है जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, तो दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए यही इसका ऑप्शन होगा जो आंसर होगा। ए बी सी तो सही है, डी गलत है, तो डी ही इसका आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? तो शायद कृषि अधिकारी 2018 का सवाल है। अति शुष्क दशाएं बिल्कुल सही है, तापमान का अतिरेक ये भी सही है, न्यून और वार्षिक वर्षा ये भी सही है, वर्षा कम होती है, कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण, जब बारिश नहीं होती है तो वनस्पति कहीं कहीं मिलती है जहां बारिश हो जाती है, तो ये भी सही है, चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं, चारों विशेषताएं इसकी सही हैं। विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है भाई ये बृहद सीमांत भ्रंश जो है वो बूंदी सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक आता हुआ है, ये विस्तृत है। ये सवाल शायद कृषि अधिकारी 2018 एएन 2018 आरएस 2015 में भी पूछा हुआ है, और विंध्याचल से अरावली को अलग करता है, तो विशाल सीमा भ्रंश का मेन काम यही है कि विंध्याचल को अरावली से अलग करता है, ये इसका एक भौतिक विभाजन भी हो जाता है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, इनमें से आपको सच वाला बताना है भाई, है ना, कौन कौन से हैं? तो शायद कृषि अधिकारी 2018 का सवाल है ये। तो बनास का मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, तो भाई बनास का मैदान तो यानी कि नदी का मैदान, यानी कि पानी आता है वहां, तो भाई ये तो कृषि के लिए तो उपयुक्त है, ये अनुपयुक्त नहीं है, तो ये तो कथन गलत है। अगला है, इसकी औसत समुद्र से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, तो ये भी सही है, इसकी हाइट इतनी ही है। यह जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, तो हाँ जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है क्योंकि ये नदी का मैदान है, इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो ये थोड़ा सा कथन गलत हो जाता है, तो कथन 1 और 4 गलत है इसमें, क्योंकि इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है, है ना, इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है क्योंकि इसका ढाल पूर्व की ओर है। बनास का मैदान विस्तृत मैदान है और समुद्र से इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ढाल इसका पूर्व की ओर है, जलोढ़ मृदा का जमाव यहाँ पाया जाता है, अब इसी कारण ये कृषि के लिए भी अच्छी भूमि मानी जाती है। जलवायु की दृष्टि से देखें तो ये उष्ण और आर्द्र प्रदेश है, तो इसको उष्णाद्र प्रदेश भी कह सकते हैं। वार्षिक वर्षाएं बहुत कम होती है, केवल 65 सेंटीमीटर। राजस्थान के भौतिक प्रदेश से आए सभी 150-200 सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, इनको एक बार घुमा घुमा के पढ़ लेना, इसके अलावा किताब को अच्छे से पढ़ लेना, नक्शे को अच्छे से देख लेना, पहाड़ पर्वत मैदान और रेगिस्तान ये 4 ही पार्ट है, इनमें जनसंख्या कितनी है, इनका क्षेत्रफल कितना है, कौन कहां निवास करता है, अरावली मध्य उत्तर और दक्षिण में क्या क्या बसा हुआ है, पहाड़ की चोटियां कितनी हाइट में है, किस जिले में है, अरावली के कौन से हिस्से में स्थित है, यही सवाल इसके यहाँ से आते हैं, इसके अलावा कोई सवाल इनमें नहीं बनते। फिर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके एनालिटिक होते हैं, वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा, आप कैसे उनका जवाब दे पाते हैं।
तो ये थे अभी तक के सवाल। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।